तो बेटा आप भाटा बेच के कितना पैसा कमा लेते हैं दिन भर में? 100 रुपया। 100 रुपया, तो उस पैसे का क्या करते हैं आप? दवाई लाते हैं। दवाई लाते हैं और क्या क्या लाते हैं? और खाना खर्चा चलाते हैं। हाँ, इतने बड़े हैं आप घर का। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात मैं इस छोटे से बच्चे से करवाता हूँ और इनसे हमारी मुलाकात हो गई है, तो इनकी कहानी हमको बहुत अच्छी लगी, बहुत जोश वाली लगी। जब आज के ज़माने में बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी आत्महत्या करने की सोचते हैं और उनके जीवन में अंधेरा छा गया है, तो इस बच्चे की बात सुन के ज़रूर उजाला आ जाएगा। क्या नाम है बेटा आपका? साहिल। साहिल, तो ये बोरी में आप क्या ले रहे हैं? क्या लिए हैं बोरी भाटा? में भाटा। तो ये लड़का बैगन लिया है, तो इतना एक बोरी बैगन आप क्या करेंगे? बेचेंगे। आप बैगन बेचेंगे जी। तो यहाँ बैगन बिकता है? ठीक है, यहाँ से आप ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बैगन बिक रहा है, ये है बैगन का खेत। बहुत से लोग खरीदने आते हैं और वहीं पे ये लड़का आया है। कितनी उम्र होगी आपकी? 10 साल। 10 साल, आपको पता है 10 साल? जी। किसने बताया? जी बाप ने। आपके बाप ने बताया? तो ये लड़का 10 साल बताता है, लेकिन लड़का 10 साल से भी कम का लगता है, छोटा सा लड़का है, और इसने इतना बैगन ले रखा है। अब बताइए, जिस उम्र में, जिस जो उम्र लोगों की खाने टहलने की होती है, उस उम्र में ये लड़का काम करता है। तो बेटा, ये बैगन आप कहाँ बेचेंगे? महमदपुर। महमदपुर, महमदपुर यहाँ से कितनी दूर है? 2 कोस। 2 कोस, 2 कोस यानी 6 किलोमीटर ये लड़का अकेले जाएगा। आप अकेले जाएंगे? और कोई वहाँ जब बेचने जाते हैं तो कोई लड़का समझ के आपको चूतिया तो नहीं बनाता है? जी नहीं, चूतिया नहीं बनाता है। अगर कोई आपको चूतिया बनाता है तो आप क्या करते हैं? डांट देते हो। क्या? डांट देते। डांट देते हैं? तो आप डरते नहीं हैं कि दूसरे गांव में डांटेंगे तो क्या होगा? नहीं डरते। तो जो बैगन खरीदने के लिए महिलाएं आती हैं तो क्या कहती हैं? किस तरीके से आपको चूतिया बनाने कोशिश करती हैं? भाटा 2 रुपये में ले। भाटा 2 रुपये मांगती हैं। आप कितने में बेचते हैं? 15 रुपये किलो। 15 रुपया किलो। तो बेटा, आप भाटा बेच के कितना पैसा कमा लेते हैं दिन भर में? 100 रुपया। 100 रुपया, तो उस पैसे का क्या करते हैं आप? दवाई लाते हैं। दवाई लाते हैं और क्या क्या लाते हैं? और खाना खर्चा चलाते हैं। हाँ, इतने बड़े हैं आप, घर का खाना खर्चा चलाते हैं। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? ढोल बजाते थे तो कोरोना लग जाए तो कोई बुलाते नहीं। हाँ, अच्छा, ढोल तो भाइयों इनके पिताजी ढोल बजाते थे, और कोरोना की वजह से ये ढोल, इनका ढोल बजाने वाला काम बंद हो गया है, तो इसलिए इस बच्चे को कमाना पड़ता है। तो बड़े होके आप क्या करेंगे? बड़े होके बम्बई जाएंगे। बम्बई जाके? फिर बम्बई में क्या करेंगे आप? काम करेंगे। काम करेंगे, पैसा मिलेगा, उसको क्या करेंगे? घर के खर्चा चलाओ। घर का खर्चा चलाएंगे। तो देखिए, कितना छोटा सा लड़का है और कितनी बड़ी बात बताता है। और तो ये बताइए बेटा, आप पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं? जी बहुत समस्या है। बहुत समस्या है? अगर समस्या ना होती तो आप पढ़ने जाते? जी। अच्छा, तो कुछ टाइम आप पढ़ाई भी करिए। देखिए, सरकारी स्कूल में सब फ्री है। अपने पिताजी से कहिए कि मेरा नाम लिखा दें, पढ़ाई भी करिए, और उसके बाद जो टाइम बचे उसमें थोड़ा सा काम भी कर लीजिए। पैसा नहीं है, क्या काम करें? हाँ, आप सही कह रहे हैं, पैसा नहीं है, क्या काम करें। तो अच्छा, इससे पहले भी आप कहीं बेचने गए हैं? कुछ बेचे हैं, कमाए हैं? क्या बेचे हैं? बैगन। बैगन ही बेचे हैं? अच्छा, ये बताइए कि इस समय चुनाव हो रहा है, प्रधानी का, आप जानते हैं प्रधान कौन बनता है? प्रधान, अगर आप बड़े हो जाएंगे तो किसको वोट देंगे प्रधानी में? आपका वोट है कि नहीं है? आपका नहीं। आपका मतलब तुम्हारा वोट है कि नहीं है? नहीं है। तो
तो कब आता है ऊँट आपको पता है? 40 साल उम्र का। 40 साल उम्र पे ऊँट आता है? 40 नहीं बेटा, 18 साल की उम्र पे ऊँट आएगा। और कितने भाई बहन हो कुल? 3। 3। सबसे बड़ा कौन है? हम। आप ही हैं। तो आप देखिए, ये लड़का सबसे बड़ा है और इसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। इसने बताया कि इसके पिताजी ढोल बजाते थे और चूंकि कोरोना की वजह से ढोल में कोई बनाता नहीं है, इसलिए छोटे से बच्चे को बैगन बेचना पड़ रहा है। कुछ बेच के अपना खर्चा चलाता है, 100 रुपया कमा लेता है। और तो जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी बहुत मजबूर लग रही है, उससे ये लोग कुछ सीखें। और गांव के प्रधान आपके लिए कुछ करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते हैं। किसके लिए आपको कुछ दिए हैं गांव में? कॉलोनी। कॉलोनी मिली है। और क्या क्या प्रधान देते हैं? लैटरिन। अच्छा, ये बताओ, खेलने का मन तुम्हारा नहीं कहता है? इतने बड़े हो, काम करते हो, जब दूसरे बच्चे खेलते हैं तो तुमको कैसा महसूस होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, खेलने का मन नहीं कहता है? तो जब पैसा कमा के लाते हो, सारा अपने मम्मी पापा को दे देते हो कि तुम भी रखते हो? मम्मी पापा के लिए। वाह, कितना अच्छा लड़का है। तो दोस्तों, आपने देखा इस लड़के को कि किस तरीके से रोना रोने के बजाय लड़का संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है और बड़ा होके बंबई जाएगा, कुछ बनेगा। तो इस बच्चे के हौसले को सलाम। जरा इधर देखो, मुस्कुरा दो, कैमरे की तरफ देखो, जरा हाथ हिलाओ।